किसानों ने भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान विरोधी कानून लागू कर किसानों को बर्बाद करना चाह रही है। जहां सुचारू रूप से किसान अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, वहीं यह भाजपा सरकार किसानों के ऊपर 3 काले कृषि कानून लादकर किसानों को बर्बाद कर रही है। भारत सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून लागू ना करते हुए किसान विरोधी कृषि कानून लागू करने की योजना तैयार कर पूंजीपतियों को बढ़ावा देने में लगी है। किसानों की फसल को पूंजीपतियों के हवाले कर बढ़ावा देने और मुनाफा कमाने के लिए लागू करना चाहती है। तीनों कृषि कानूनों का विरोध किसान देश में कर रहे हैं, फिर भी भाजपा सरकार जबरन तीनों कृषि काले कानून लागू करने की कोशिश कर रही है। इसके खिलाफ महीनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी भाजपा सरकार किसानों की मांग को ठुकरा रही है। इसी वजह से किसान संगठनों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन कर अपना विरोध दर्शाते हुए भारत बंद का आह्वान किया सोमवार को, जिसमें पारशिवनी शहर और ग्रामीण इलाकों में किसानों ने यह तीनों कृषि कानूनों का बड़े पैमाने पर विरोध कर मोदी सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त करते हुए तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। किसानों की फसल को हमी भाव दिया जाए, महंगाई पर रोक लगाकर जीवन आवश्यक चीजों के दाम कम किए जाए और भी मांगे इस आंदोलन में किसानों ने उठाते हुए आंदोलन किया। कोलितमारा, ढवलापुर, नरहर, अंबाजरी, धाटकुकड़ा और भी ग्रामीण क्षेत्र से किसान इस आंदोलन में शामिल हुए थे। संयुक्त किसान मोर्चा में जलीम शेख, पंजाब राव कवड़े, आशिफ शेख, रमेश कंभे, अनंतु उइके, शोभा राव कुम्भरे, रोशन वैरागड़े, रामकिशन अड़माची, मार्तेव राव धुवे, घनश्याम ओवाची, मनशाय डबले, नरेश भीवगड़े, सुनील भीवगड़े, नितिन सौदागर, अन्य किसान इस आंदोलन में शामिल हुए थे। 3 कायदे हैं ये वापस होने को होना, हाँ, इस पे जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति है ये कायदे लागू होंगे, तो बाजार समिति जो हमी भाव जो मिलता है ये सब बंद होगा। अरे कारपोरेटर इस पर राज करेंगे, इससे हमको आज किसानों के हक में भारत बंद पार्शिनी भी हमारा ऐसा कहना है कि आज भारत बंद रहने को ना है कि किसानों की यही एक मांग है। किसान भारत बंद में शामिल है, आपको दिख रहे ये जितने लोग हैं और कुछ लोग आ रहे हैं अभी, और हमको भारत बंद या पार्शिनी बंद भी करना है, इसको सक्सेस करना है। 3 जो काले कानून है इससे किसानों को ये नुकसान होने वाला है कि बाजार समिति में जो अभी सरकार का जो हमी भाव है ये बाजार समिति बंद हो जाएंगी, ये अपने एग्रीमेंट करके किसानों से माल खरीदेंगे, जिस समय ये माल का अगर से कम ये हो गया जिसमें लोगों को नुकसान भरपाई नहीं मिल सकेंगी किसानों को, ये कारपोरेटर ये माल को खरीदने के बाद में ये किसानों से कम दाम में खरीदेंगे साल दो साल के बाद में, और इसको मार्केट में ये 100। BCN न्यूज़ के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।